साई क्या मसला है तुम्हारा? ओ ताया जी मुबारक हो। मैं किस बात की? ओ जेड़ा बंगया दी आपस में सुलह नहीं हुई। हां हां ओ फेर लड़ पए। अल्लाह रहम करे। आप क्या कहते हैं? ओ अभी पागल जाए आमने सामने बैठे ओनू कही जंदा तू गंदा बंदा, 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 ए तू ओनू कही जंदा तू गंदा बंदा, ओनू कही जंदा गंदा बंदा, ओनू कही जंदा तू गंदा बंदा। नहीं तो ये हाथ सिर्फ मेरी तरफ ही आता है। नहीं ताया तमीज ही नहीं। तो जाओ उनको जाके समझाओ मेरा सर ना खाओ। ओ ओनू कही जंदा तू घटिया, 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 ताया तू घटिया। मैं उन्होंने पूछा मैं कहा तुम मेरे बुजुर्ग हो तुम घटिया तमीज ही नहीं इन्हों तमीजा कौन आ जरा पा लड़न दाया ताया ओनू कही जाना तेरा मुंह चोरा वाला ओनू कही जाना तेरा मुंह चोरा अरगा ओनू कही जाना तू तेरा मुंह चोरा अरगा यहां से मारो ना तेरा मुंह चोरा अरगा ला मजाक ही बना ले। अच्छा जो भी ओ दादा ओनू ही कही जाना भी तेरा मुंह चोरा अरगा ला ला ला। अच्छा जो जिसको भी कह रहा बाला तुम हमारे घर से जाओ। तुम किसी दिन ना मेरे से फेंटी खाओगे। माय वजह हेलो बिला वजह भी मार सकते हैं तुझे। तुम्हारी हरकतें जो ऐसी हैं क्या मेरे ताई के साथ तुम बातें कर रहे हो? ओके यो तमीज़ है कि बिजनेसमैन ना बोलो ना कि कौन बिजनेसमैन? बिजनेसमैन मैं बिजनेसमैन। अच्छा माशाल्लाह से कौन सा बिजनेस कर रहे हो? मैं नाइया का काम कर रहे हैं। वाओ व्हाट अ बिजनेस। तो नाई क्या करता है तुम नाई का काम कर रहे हो? तो अपना काम कर रहे हैं। नहीं तो आते हैं लोग। ताई जी इसके बाल देखे खुद की इसकी कटिंग देखे नाइयों का काम करता है। कौन आता है तुम्हारे पास कटिंग करवाने? मेरे को बड़े बड़े लोग आते हैं। ब्रादरन आते हैं इसके पास कटिंग कराने। उन्होंने कुछ होना उन्होंने तो आप बड़ी मुश्किल बाल लवाए वो भला कटाउंदे मेरे को। अच्छा तुम्हारे पास वो शेख ऋषि आए थे कटिंग करवाने के लिए? आहो उन्हें साइडें कटाउनियां होंदियां कि तुम भी कटा लंदा आ भी छोटे टेंडा। सही बताओ वाकई में? तो फिर तो तुम्हारे पास सरदारी साहब आए थे कटिंग कराने के लिए। अरे उन्होंने नहीं मैं आंदना। क्यों भाई? वो सरदारी साहब मेनू कहंदे हम आंदा ठेका भी मेनू ही दे दे। ओ वो रहमान मलिक साहब की वजह से कह रहे होंगे। वो चौधरी निसार साहब आए थे तुम्हारे पास कटिंग कराने? आहो ऐसे कटिंग कराओ चौधरी निसार साहब। फिर हम हम च बैग उन्होंने वेग लाई कहता काका इथे गिल्ली टाकी मार दे फिर वेग लाग के टूट गए। अच्छा मुझे बताओ वो बिलावल आया तुम्हारे पास कटिंग कराने उसको तो नए स्टाइल्स का भी पता होगा है ना? कटिंग नहीं कराउन आया मेनू आके कहना भाजी तुम्हारे को परांदा होएगा। भाजी कितने फजूल बातें करते हैं फजूल बोला मैं कटिंग साई। आपकी मेहरबानी इस वक्त चले जाओ हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं। हाँ क्या हुआ? हाँ तुम्हारे इंतजार में कैसे वो बैठे क्या हुआ? मैं चला जाना यार समेट गया ही होगा। हाँ नहीं अच्छा ये बताओ तारफ करा दे पहले आप बताओ छाट तू तारफ करा दे आओ आओ तारफ चिड़ी आओ 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 प्लीज आओ 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 तुम ऐसे किसी तारफ के मोहताज नहीं हो बहुत अच्छे इंसान हो। यहाँ चलाने बंद करो। वेरी गुड बदिया जा बदिया जा। इधर बैठो करीब ना होना है। नहीं नहीं टेक लगा लो आगे जंप आएंगे टेक लगा लो। ये हमारे इस इलाके के जनरल काउंसलर हैं। ये जी हाँ नहीं ताया जी वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं कचरा लोगों के घर से उठाते हैं और बाहर फेंकते हैं। हाँ। अपना इनका माशाल्लाह से बिजनेस है बहुत अच्छा चलता है खानदानी लोग हैं। हाँ। खानदानी चोर हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह अच्छा बिजनेस है इनका। हाँ। आप जानते हो किस चीज का है? डिजाइनर है इनके कपड़े देखिए कितने प्यारे हैं मलबूसात मलबूसात बहुत प्यारे हैं। आप जानते हैं ने आपने कभी इनका गाना सुना? क्या नाम है इनका? शायदा मिनी यार। अरे वाह ओ भावे साई है पाकिस्तानी ते आया ना। अरे वाह 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 अपने पटकारा में भी मैं जानता भाजी वाह। अच्छा ये बताओ कि ये सिर्फ सॉन्ग गाती हैं या फिल्मों में भी काम करती हैं? मैं क्या पूछ रहा हूँ? तुम तो बिल्कुल ही साई हो गए देख के। फिल्मों में पहले काम करती थी या पहले गाने गाती थी या पहले इनका कोई बिजनेस था या प्रोड्यूसर थी क्या थी? बोलो तो सही नवलू
वो आपको देखे जा रहा पहली दफा देखा है लाइफ पहली दफा देखा था। हाँ तो उधर ही रहो कर ही मत आना, अल्लाह के वास्ते कपड़े ना टुक देना, बड़े कीमती है। गाने शुरू किए अभी इस मरतबा इन्होंने बड़े वोटों से जीता है बहुत सारे वोटों से, और हमारे मुल्क की बागडोर अभी इनके हाथ में है। माशाल्लाह तरक्की का अंदाजे लगा लें फिर जी, नजर आ रही है मुझे। तो अब आप जाने का क्या लेंगे, ये हाथ तो नीचे करो। मैं कहा जनाब मैं वजीरे आजम बन सकता जी। हाँ लेकिन ज्यादा से क्या बात को मैं समझ नहीं आई भी साई मैं साई वाली गल्ला ये करन दे ये पुत्र पूरे वजीरे आजम ने सुधा दवाई नहीं, सिर्फ उन्होंने कहा है कि तुम सिर्फ पक्की छठी के हो सकते हो वजीरे आजम, पूरे मुल्क के नहीं। जड़ी पक्की तरह ठठी हुई होवे। हां अच्छा अच्छा हां अताया मेरा तारुफ पक्की है। बर्बाद हो दिया और तुम्हारा कितनी बार तारुफ करवाएं, पता चल गया तुम बहुत मौजूद इंसान हो। प्लीज सब चले। ताया जी ये लोग कब तक बैठेंगे यहाँ पर? ये मेरा ख्याल है कि दो एक दिन बैठेंगे। दो दिन मुझे इजाजत दीजिए। ओ ताया यार तू जब कहना ना चला। तो हजारों लाखों करोड़ों ऐसे डायलॉग बोले हुए चलो मरने से पहले तुम्हारी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे, लेकिन तुम यहाँ खड़े हो ना, अच्छा जी ऐसे खड़े हो खड़े साइयों की तरह ना, हीरो की तरह बेटा। अच्छा हाँ ऐसे जैसे शान खड़ा होता है। ये तो अल्लाह की शान है। आप शान की तरह खड़े तो, हो हाथ तो अपने रोको कैसे, नीचे रखो हाथ, पीछे बांधो ये सीना, तो आगे ऐसे तो बेटा बंदर खड़े होते हैं। बेटा तू तो सही खलोता मारू यहाँ से रखे मोहम्मद राणा या शान, जो मर्जी हीरो बना दे बस। अच्छा चलो बस तुम मुअम्मर राणा हो। हाँ जी एक दफा इसे कह दीजिए क्या कहना है। अजय तुम ना मिले मैं मर जाऊंगी हीरो समझ के। अच्छा साईं नु आवाज आएगा जी। हाँ भी ताए भी। जी तू मेनू ना मिले तो मैं मर जाऊंगी यही है। इसको एक दफा कह दे दफा हो जाएगा। या मेरे मौला तेनू मगरों ला दे, जे तू मेनू ना मिले तो तू ही मर जाएगा दफा हो जाए। साइया जे तू मेनू ना मिले ना ते मैं मर जाऊंगी, तू मर जाएगा। ओ, ओ। साया जे तू मैनू ना मिलिया ते मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। ओ जे मैं तेनू मिल भी गया मरते तू फेर भी जाना। निकल जा। शुक्र है।